हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र जो कि शरीर के लिए एकदम अहम चीज़ है, अगर शरीर का पाचन तंत्र गड़बड़ है तो समझिए कि हम कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन में 80-85% बीमारियां हमारे पाचन तंत्र के चलते होती हैं। इसलिए अगर पाचन तंत्र सही हो तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसलिए हमें पाचन तंत्र के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पाचन तंत्र की ओर। सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन है क्या? सबसे बड़ा सवाल होता है कि पाचन किसे कहते हैं। तो हम समझेंगे कि जब किसी भी भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो भोजन होता है वह जटिल रूप में होता है। जैसे हम किसी भोजन को हाथ में लिए खाने के लिए तो वो जो प्रारंभिक अवस्था है वो जटिल अवस्था में हुआ, और जब मुख में डालकर दांत द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया तो वो हो गया सरल अणुओं में। तो भोजन को जटिल अणुओं से सरल अणु में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और इस पाचन में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें शरीर की बहुत सारे अंग काम करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, जैसे यकृत, मुख, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी चीज़ें उसके पाचन में मदद करती है। तो इन सारी चीज़ों को मिले जुले रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं, समझ में आ गया पाचन किसे कहते हैं और पाचन तंत्र किसे कहते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना पाचन कहलाता है, और जो अंग इसकी पाचन में मदद करते हैं उन सभी अंगों के मिले जुले रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि बॉडी में पाचन होता कैसे है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जब हम भोजन को मुख गुहा में लेते हैं, मुख गुहा माने होता है स्थान, जगह, क्षेत्र जो मुंह के अंदर होता है, तो जब हम भोजन को मुख गुहा में लेते हैं तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद मुख के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। वो लार ग्रंथि इस भोजन में मिलकर उसे लसलसा और चिपचिपा बना देती है ताकि भोजन को निगलने में आसानी हो सके। लेकिन ध्यान देंगे कि जो मुख के अंदर लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि से तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, और तीसरा म्यूकस। ये सभी चीज़ें मिल करके और मुख गुहा में भोजन का पाचन करती हैं। जब लार ग्रंथि से निकला हुआ लार भोजन में मिलता है तो सबसे पहले मुख गुहा में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि भोजन का सबसे पहला पाचन मुख गुहा में होता है। और मुख गुहा में भी किस चीज का पाचन होता है? स्टार्च का। किस चीज का पाचन हुआ? स्टार्च का। और मुख में जो भोजन का पाचन हुआ, जो भोजन हुआ, उस भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। जैसे ये रहा भोजन, और भोजन को हम मुख में लिए, उसको दांत से तोड़े, लार ग्रंथि उसमें मिल गई, और मिलने के बाद जो वो चिपचिपा बन गया, अब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। जैसे मुंह में खाया हुआ भोजन को ऐसे हम अगर उगल लिए हाथ पर
तो उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? बोलस। मुख में जो लार ग्रंथि होती है उससे 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, निकलता है। तो समझ में आ गया, भोजन का सबसे पहला पाचन मुख गुहा में हुआ और किस चीज का पाचन हुआ? स्टार्च का। तो लार ग्रंथि में 3 चीज मिले होते हैं, एमाइलेज जो क्या करता है कि भोजन में मिले कीटाणुओं को मार देता है। कोई भी भोजन जब हम मुंह में लेते हैं तो उसके साथ कीटाणु जरूर आते हैं और वो कीटाणु जो हमारे लिए रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो एंजाइम क्या करता है कि लाइसोजाइम सबसे पहले उस कीटाणु को मार देता है। अब दूसरा टाइलिन। अब ये टाइलिन क्या करता है कि भोजन में जो स्टार्च है, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख में टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि आसानी से हम निगल सकें। तो भोजन मुख में किस रूप में हो गया? बोलस के रूप में। और अब ये भोजन आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जब वहाँ से वो आगे जाता है तो सीधे पहुँचता है ग्रास नली में। ग्रास नली में जब भोजन चला जाता है तो ग्रास नली में कुछ सिकुड़न और फैलन होता है, यानी कभी वो फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, ताकि भोजन आसानी से नीचे की ओर आ सके। तो अब यहाँ से भोजन आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले पहुँचता है अमाशय में। कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। अब हम देखते हैं कि मुख गुहा से ग्रास नली होते हुए भोजन आ गया अमाशय में, और अमाशय में ही भोजन का मुख से ज़्यादा पाचन होता है। मुख में जितना पाचन हुआ उससे कहीं ज़्यादा पाचन होगा अमाशय में। तो जब अमाशय में भोजन आता है तो अमाशय के 3 भाग होते हैं जहाँ भोजन का ठहरा होता है। तो हम समझते हैं कि अमाशय में जब भोजन आता है तो वो 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है? 4 घंटे तक। और सबसे पहले पहुंचता है शुरू वाले भाग में। तो अमाशय के 3 भाग, पहले वाले भाग को कहेंगे कार्डिक, ये वाला भाग, दूसरा भाग ये वाला फंडिक, और तीसरा भाग पाइलोरिक। तो सबसे पहले भोजन आकर के कहां पहुंचता है? कार्डिक वाले भाग में। अब कार्डिक वाला भाग में जब भोजन पहुंचता है तो कार्डिक से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बेचारा बैठे बैठे इंतजार करता है कि अब भोजन आए, अब भोजन आए, भोजन आया। तो जैसे ही भोजन इसमें घुसा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिलीज होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रिलीज होता है तो भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। और अम्लीय बनाने के साथ साथ उसमें अगर मुख से कोई बच गया, यहाँ से मान लिया जाए कि कोई कीटाणु बड़ा चालाक है, काफ़ी काबिल है, होशियार है, अब हम बच के आगे चल जाएंगे, तो ये बेचारा जैसे ही पहुँचता है अमाशय में तो उसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको समाप्त कर देता है और वहीं पर कीटाणु का नाश हो जाता है। तो भोजन को अम्लीय बनाया और भोजन को क्या किया? उसमें कीटाणुओं को मार दिया। जब इसका काम खत्म हो जाता है तो अब इस भोजन को क्या करता है? दूसरे एरिया में ढकेलेगा। अभी बोलेगा भैया हमारा काम हो गया, अब तू चला जा, इसलिए कि अभी कितना देर रह गया, चूंकि 4 घंटा रहे भोजन अमाशय में, तो ये थोड़े है कि 4 घंटा रख लेगा। अब ये कहता है कि अब तुम आगे जाओ, अब भोजन को ढकेल कर अब पहुँचा देता है कहाँ? दूसरे भाग में, जिसे कहते हैं फंडिक। अब यहाँ पर क्या होता है कि फंडिक ये बेचारा कार्डिक से भी लेजी है। ये तो काम करता है कार्डिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, कीटाणु को मारा और उसको पचाने में मदद किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब पहुँचता है फंडिक के पास, तो फंडिक कहता है भैया अब वो करिए दिया है तो हम क्या करेंगे,
अब ही क्या करता है कि भोजन को अपने पास जमा रखता है आराम से, अब भोजन को अपने पास कुछ देर तक रोकेगा। लेकिन फंडिक में देखिए कांटे जैसी कुछ संरचना होती है, जब पेट में भोजन नहीं होता है और जब हम भूखे रहते हैं तो पेट में चुभन होने लगती है, वही चुभन इस कांटे के चलते होती है। इसलिए जब भोजन पेट में रहता है तो उस तरह की चुभन नहीं होती है। तो अब यहाँ पर ये भोजन आया तो यहाँ कुछ देर फिर रुकेगा और उसके बाद ये पहुँचा देगा तीसरे भाग में, जिसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक से एक ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, जिससे निकलता है जठर रस। जठर रस क्या करता है कि अब यहाँ जब भोजन आता है तो बेचारा तैयार होकर बैठा रहता है कि आजा। अब जब इंतजार करते करते भोजन इसमें आया तो अब ये तैयार हो गया कि इसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। पाइलोरिक भाग जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर जब भोजन आता है तो जठर रस क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है और यहाँ पर प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन हो जाता है। यहाँ से एक सवाल निकलता है कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, अमाशय में। और अमाशय में भोजन में उपस्थित प्रोटीन जो है पचने के बाद वो किस रूप में बदल जाता है, पेप्टोन के रूप में। यहाँ पर भोजन किस चीज में बदल गया, पेप्टोन के रूप में। अब यहाँ से भोजन का पाचन होने के बाद अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा। तो जब आगे भोजन बढ़ते बढ़ते पहुँचता है कहाँ, छोटी आँख में। तो भोजन का थोड़ा सा पाचन हुआ मुख में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ अमाशय में, अब सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आँख में। लेकिन जब भोजन आगे की ओर जैसे ही अमाशय में ये छोटी आँख में घुसता है तो ये बेचारा हड़बड़ा जाता है। छोटी आँख कहेगा कि अरे हम अब भोजन का पाचन कैसे करेंगे, ये तो अम्लीय रहता है, काहे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिला रहता है और अम्लीय भोजन का पाचन छोटी आँख नहीं कर सकता, उसको बहुत कठिनाई होती है। ये बेचारा डर जाता है कि ना ना हम नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि यहीं पर बगल में एक यकृत ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से एक सवाल और निकलता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय। तो यहाँ पर यकृत से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं पित्त रस, जो इस हरे रंग की थैली में आकर के जमा होता है, जिसको क्या कहते हैं, हरे रंग की थैली को, पित्ताशय। अब ये पित्त यहाँ पर जमा हो जाता है, पित्ताशय बहुत कड़वा होता है, पित्ताशय में जो पित्त होता है काफ़ी कड़ा होता है। कभी कभी आप लोग देखेगा, कभी मुर्गा उर्गा मराता है, चिकन हम लोग जाते हैं लेने के लिए तो चिकन में देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा हरे रंग का नज़र आता है कैप्सूल के जैसा, उसको लोग निकाल करके हटा देता है। अगर वो कहीं गलती से भी फूटा तो पूरा मांस तीता हो जाता है, आप खा नहीं पाइएगा, तो ये बहुत कड़वा होता है। तो इसी में यकृत से स्रावित होता है और निकलता है पित्त रस। पित्त रस का पीएच मान 8.6 होता है और पित्त हमेशा क्षारीय होता है। तो यहाँ से फिर दो सवाल निकलता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, 8.6, और पित्त होता कैसा है, तो क्षारीय। अब ये क्या करता है कि भोजन में जैसे ही मिलेगा और भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। जैसे ही भोजन क्षारीय बनता है छोटी आँख भैया काफ़ी खुश हो जाता है, लोटपोट हो जाता है खुश होते होते, आ हा हा, अब ये भोजन कैसा हो गया, क्षारीय। अब कहता है कि भैया हम भोजन को अब आसानी से पचा सकते हैं।
अब ये तैयार हो जाता है, और जब ये तैयार हो जाता है तो भोजन भी तैयार है जाने के लिए। अब ये क्या करता है कि भोजन आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन भोजन जब आगे की ओर बढ़ता है तो यहीं पर एक बगल में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है अग्न्याशय। अग्न्याशय से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशयिक रस में से जो एंजाइम निकलते हैं उसे पूर्ण पाचक एंजाइम्स कहते हैं, यानी कि ये भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम्स। और अब अग्न्याशय से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। अग्न्याशय से जो हार्मोन्स निकलता है सबसे पहला ये एंजाइम्स, उसको कहते हैं ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। जैसे ही यहां से अग्न्याशय में जो भोजन होता है उसमें उपस्थित प्रोटीन किस रूप में रहता है, पेप्टोन के रूप में। अब ये पेप्टोन जो है जब आगे बढ़ेगा तो अग्न्याशय से ट्रिप्सिन निकलेगा और ट्रिप्सिन उस पेप्टोन को बदल देगा पेप्टाइड में। अब छोटी आंत में जो सफर करता है भोजन उसमें उपस्थित जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड का रूप ले लेता है, इहो रंग बदलता है। पहले ही प्रोटीन था, प्रोटीन से बन गया पेप्टोन, और अब पेप्टोन से बन गया पेप्टाइड। अब ये क्या करता है कि छोटी आंत में आगे की ओर बढ़ता है। छोटी आंत में जब हम लोग जाते हैं तो जो भोजन आगे बढ़ेगा तो इसके तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, दूसरा जेजुनम और तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं इलियम। इसमें भोजन का अंतिम पाचन इलियम में ही होता है। तो जो सबसे पहला भाग है, जो अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में घुसता है तो जो सबसे पहला भाग, ये देखिए जो ब्लू वाला भाग हम बनाए हैं, इसको कहते हैं ड्यूडेनियम। सबसे पहले भाग को कहते हैं ड्यूडेनियम। ई क्या करता है कि जब भोजन आता है तो ये भोजन का पाचन नहीं करता है। ये भोजन का पाचन इसलिए नहीं करता कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं निकलता है। तो ये मदद कैसे करता है, ई क्या करेगा कि जो पहले से भोजन में अम्ल की मात्रा होती है, अम्लीय होता है, उसको ई क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। थोड़ा मोड़ा जो अम्ल बचा होता है उसको निष्क्रिय कर देगा और भोजन में को क्या करता है कि और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व है वो आसानी से अवशोषित हो सके। तब हम कहेंगे कि ड्यूडेनियम काम कौची करता है, तो भाई अगर ये उसको छोटे छोटे नहीं टुकड़ों में तोड़ेगा तो उसमें उपस्थित जितना भी पोषक तत्व होता है छोटी आंत उसको ऑब्जर्व करिए नहीं पाएगा। तो ये भी बड़ा तन के खड़ा रहता है कि हमरो काम बहुत बढ़िया है और इहो काम जो है बेस्ट करता है। अब ई जब बेस्ट काम किया तो भोजन को क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसमें के उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषण करने लायक बना दिया। अब यहाँ से भोजन बड़े आराम से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके आगे वाले यानी मिड वाले भाग को, बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं जेजुनम। अब जेजुनम क्या करता है कि भोजन में उपस्थित जो सारे पोषक तत्व तो आगे बढ़ते आते हैं उसके लिए ये जगह बनाता है। इसको क्या करेगा, थोड़ा फैलाएगा और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि वो आसानी से रक्त में प्रवाहित हो सके। क्योंकि जितना पोषक तत्व है सीधे तो चारों तरफ बॉडी में घुसेगा नहीं, वो जब तक ब्लड में नहीं जाएगा तब तक हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इस जेजुनम क्या करता है कि उस भोजन को उपस्थित जो भी उस भोजन में पोषक तत्व होता है उसको इस प्रकार तैयार करता है कि ब्लड में वो आसानी से अवशोषित हो सके।
अब वहां से भोजन आगे की ओर बढ़ता हुआ पहुंचता है छोटी आंत के तीसरे भाग में, जिसको क्या कहते हैं, इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर भोजन का पाचन होता है। अब इस छोटी आंत में जहां पर इलियम पाया जाता है, अंतिम भाग, ये आपका अंतिम भाग हो गया इलियम। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें उंगली के जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक ऐसे उंगली के जैसा निकला होता है, और जिसे हम लोग रसांकुर कहते हैं या विली कहते हैं, रसांकुर या विली कहते हैं। अब यह क्या करता है कि जब भोजन इधर से आएगा तो उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को वो अपनी ओर आकर्षित, रसांकुर, उसमें कुछ इस प्रकार की रचना बनी होती है कि जितना भी इसमें पोषक तत्व आएगा उसमें प्रोटीन को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। यहां प्रोटीन किस रूप में रहता है, पेप्टाइड के रूप में, क्योंकि प्रोटीन अमाशय में था पेप्टोन के रूप में और ट्रिप्सिन उसको बदल दिया पेप्टाइड में। तो अब यहां पर इलियम में भोजन में उपस्थित प्रोटीन किस रूप में आया, पेप्टाइड के रूप में। अब यहां का होता है कि जब यह प्रोटीन आता है तो इलियम में उपस्थित रसांकुर एकदम तैयार रहते हैं और उसमें उपस्थित प्रोटीन को क्या करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपनी ओर आप अवशोषित करते चल जाते हैं कि भैया जो है उसको खींचो, और ये क्या करता है कि उसमें उपस्थित प्रोटीन को खींच लेता है, उसको अवशोषित करता है, उसका पाचन करता है। तो फिर एक सवाल उठता है, प्रोटीन का पाचन तो यहां हो ही गया था, तब यहां कैसे हो गया। सही बात है, यहां तो प्रोटीन का पाचन हो ही गया था, लेकिन जिस प्रकार मुंह में पूरा स्टार्च का पाचन नहीं हो पाया, उसी प्रकार अमाशय में भी सारे प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। कुछ पाचन ऐसा है कि प्रोटीन कुछ बच करके आगे की ओर छोटी आंत में चलाता है कि भैया हम बच गए, अब बचना है। तीन गो तैयार है, जिसमें एक से बचे, दो से बचे, तो तीसरा इलियम तैयार रहता है रसांकुर के साथ, वो आया और सारे प्रोटीन को अवशोषित कर लिया। अवशोषित जब करता है तो इलियम से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है ये क्या करता है कि पेप्टाइड को क्या में बदल देता है, एमिनो अम्ल में। यहां पर जो एंजाइम आता है ये एंजाइम पेप्टाइड को क्या में बदल देगा, एमिनो अम्ल में। और जब एमिनो अम्ल में बदलेगा तो यहां पर अब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। पाचन अब हो गया, अब क्या होगा कि अब जो भोजन बच गया उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ, प्रोटीन का भी पाचन हुआ, वसा का भी पाचन हुआ, और बच गया पानी। पानी का पाचन कभी नहीं होता, वो पाचन तंत्र से आगे होते हुए पहुंचता है बड़ी आंत में। ध्यान देंगे कि छोटी आंत को ही क्षुद्रांत भी कहा जाता है। आदमी पूछता है, प्रश्न पूछेगा या कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, इलियम में भी कह सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन ज्यादा एग्जाम में देता है वो देता है क्षुद्रांत। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहते हैं, याद रखिए, छोटी आंत उसी को कहते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत दिया तो ठीक है, और नहीं तो क्षुद्रांत दिया तो क्षुद्रांत ठीक है। तो भोजन का अंतिम पाचन कहाँ हुआ, क्षुद्रांत में। अब ये बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत का काम क्या है, ये भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित करता है, खींचता है, ताकि शरीर में पानी की भी कमी ना हो। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि बड़ी आंत काम ही नहीं करता है, तो जितना इधर से भोजन आया वो धड़धड़ धड़धड़ करके क्या करता है, लैट्रिन के रूप में बाहर आता है। तो लैट्रिन और पानी दोनों बाहर आता है तो आदमी कहता है कि डायरिया हो गया, इसलिए कि पानी को तो ये अवशोषित कर भी नहीं किया तो क्या हो जाता है, डायरिया, और पतला लैट्रिन होने लगता है। तो उस कंडीशन में तबीयत खराब हो जाती है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर से जल निकलने का मतलब है कि इंसान की मृत्यु होने का डर बना रहता है। अब यहां देखेंगे कि जब बड़ी आंत में
भोजन आया तो ये आगे की ओर बढ़ते जाता है और इसमें से उपस्थित जल है उसको ये अवशोषित करते रहता है। ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते सीधे पहुंचता है कहाँ, रेक्टम में। लेकिन ध्यान देंगे, सबसे पहले जब इलियम से भोजन जहाँ प्रवेश करता है, इस स्थान को, ये देखिए इस स्थान को, इसको सीकम कहते हैं। क्या कहेंगे? सीकम। अब यहाँ सीकम से भोजन आगे बढ़ते हुए पहुँचता है सीधे रेक्टम में, जिसे हम मलाशय कहते हैं, जहाँ पर भोजन आकर के जमा हो जाता है। और वहाँ पर एक बिलुरुबिया नाम का पदार्थ होता है, जिसके चलते ये भोजन का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये बिलुरुबिया निकलता कहाँ से है? ये बिलुरुबियन का स्राव यकृतें करता है, जो क्या करता है, पहले ही भोजन में इसको मिला देता है। इसलिए देखिएगा कि लैट्रिन का कलर हमेशा पीला होता है, और ये आ करके और रेक्टम में जमा हो जाता है। अगर यही यहाँ पर अगर भोजन ज़्यादा समय तक रहा, तो ठीक जहाँ से भोजन, जहाँ से ये पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम लोग गुदा कहते हैं, तो वहाँ से भोजन जहाँ से बाहर निकलता है, उस जगह को ज़्यादा देर तक रहने से वहाँ के मांस को सड़ा देता है, जिसके चलते पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पाइल्स में ब्लडिंग भी होता है और दर्द भी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर एसिडिटी हो या पेट में गैस बनाए, सही ढंग से भोजन का पाचन नहीं हो, तो पाइल्स होने का खतरा बना रहता है। और यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे अगर आ गया कभी कि पाचन तंत्र का वर्णन करूँ, तो हम लोग बिना किताब देखे अपने मन से बना करके इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले भोजन मुख में, मुख गुहा में आता है, तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार उसमें मिल जाता है और उसे चिपचिपा और लसलसा बना देता है, और उसमें उपस्थित कीटाणुओं को भी मार देता है। उसके बाद वो भोजन बोलस के रूप में आगे की ओर बढ़ते हुए ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन पेप्टोन के रूप में बदल जाता है, और वो पेप्टोन आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचता है? छोटी आँत में। छोटी आँत में ये पेप्टोन पेप्टाइड के रूप में बदल जाता है, और ये भोजन आगे बढ़ते हुए सीधे पहुँचता है क्षुद्रांत में, और क्षुद्रांत में इसका भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। अब देखिए, यहाँ भोजन तब आता है जब ये क्षारीय होता है। तो अभी पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर जो भोजन था वो तो अम्लीय था, और अम्लीय को क्षारीय के बनाया? यकृत से निकलने वाला जो पित्त है वो इसको क्षारीय बना दिया। तो इसमें से जो पित्त रस निकलता है वो ऐसे ही नहीं निकलता, वहाँ छोटी आँत से दो हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स यकृत को और अग्न्याशय को हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। ना तो ये तो भैया अपना अपना हार्मोन्स लेकर, ये एंजाइम लेकर के बैठा रहता है कि हमरा में तैयार होइए गए, अब हम थोड़े छोड़ेंगे। तो इसको छोड़वाने के लिए छोटी आँत से एक हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ध्यान देंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या करता है कि छोटी आँत से सीधे पहुंचता है अमाशय में, और तब अमाशय क्या करता है कि वहां से पित्त को छोड़ता है, तब पित्त पित्ताशय में आता है, और वहां से आकर के भोजन में मिल करके उसे क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और उसी प्रकार अग्न्याशय, अग्न्याशय में को जितना भी एंजाइम्स होता है इसमें, उसको निकलने के लिए एक और हार्मोन छोड़ता है छोटी आँत, जिसे सेक्रेटिन कहते हैं। सेक्रेटिन क्या करता है, अग्न्याशय में उपस्थित सारे हार्मोन्स को निकलने के लिए निमंत्रण देता है कि निकल जा भैया, अब तो हर जरूरत बा, निकला आ जाइए, बाहर आइए, और उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और ये क्या करता है कि भोजन में मिल करके उसका पूर्ण पाचन कर देता है। अब देखिए, अब इससे सवाल कितना तरह का आता है और किस तरह का आता है। क्लियर हो गया कि भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन का सबसे पहला पाचन कहाँ हुआ, मुख गुहा में।
भोजन में उपस्थित किस चीज का पाचन मुख गुहा में होता है? स्टार्च का। लार में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3 एंजाइम्स। कौन कौन पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 8.6। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। इस प्रकार कई एक तरह का सवाल है। मुख गुहा से कितना लीटर या कितना लार निकलता है? 1 से 1.5 लीटर। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार हुआ। अगर आपको इसमें अब कहीं भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, ताकि हम समझ सकें कि आखिर समझाने में प्रॉब्लम है कहाँ, और प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में और भी इसे अच्छी तरह से आपको समझाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।